बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रहमत किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, और हम भी हैं अल्लाह की रहमत से, आप लोगों की दुआओं से बहुत बेहतर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमे का थर्ड पार्ट, यानी जो मैंने पहला कीमा बनाया था, सबसे पहले भुना कीमा, उसके बाद कीमा मटर आलू बनाए थे। और मैंने आपको बताया था कि मैं आधे कीमे में मटर आलू बना रही हूँ और आधा कीमे में बनाऊँगी किसी और चीज़ के साथ में। तो मैंने आधे कीमे को बनाया है चने की दाल के साथ। तो आज जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसमें मैं चलिए शुरुआत करती हूँ, बाकी आगे बताती हूँ मैं आप। तो दाल को मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, नमक डाला है और फिर हम सीटी लगाएंगे। दो सीटी के लिए हमने दाल रख दी है। इधर मैंने चूल्हा जलाया है मिट्टी का, और देखिए धुआं भी आ रहा है हल्का हल्का, तो धुएं को तो इग्नोर कीजिएगा। सो मैंने तेल डाल दिया, तेल गर्म हो रहा है। तो आज की रेसिपी में मैं आपको कीमे वाला जो भाग था वो नहीं दिखाऊंगी कि मैंने जो कीमा भुना था, क्योंकि कीमे की दोनों मैं आपको दिखा चुकी हूँ, तो आप जाकर वीडियो को दूसरी देख लीजिएगा। और मैंने ज़ीरा ऐड कर दिया है, और मैं थोड़ा सा हींग ऐड करूँगी और 2-3 तेज़पत्ता ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं करीबन करीब 2-3 लाल मिर्ची ऐड करूँगी। और इस तड़के को हमें चटकाना है थोड़ा सा, एक प्याज डालना है, और प्याज के साथ तड़के को थोड़ा सा करना है सुनहरा ब्राउन, यानी कि सुनहरा करना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन करना है, हल्का हल्का, बहुत तेज़ नहीं। तो ये हमारा तड़का है, आप चाहें दाल के ऊपर तड़का डालें या तड़के के ऊपर दाल डालिए, दोनों तरीके से दाल को ही भुनना है। तो जब तड़का हल्का सा नरम हुआ तो हमने डाल दी है हरी मिर्चें 2-3। तो 2-3 हरी मिर्चों को भी हमने तड़काना है, चटकाना है थोड़ा थोड़ा, जिससे कि मिर्चें थोड़ी सी कुकराहट में आ जाए, यानी कि मतलब थोड़ी सी वो आता ना अलग सा तेल के अंदर जो कुरकुराहट वाला फ्लेवर आता है, ऊपर वाली ग्रीन स्किन उसकी चटक जाती है तेल के अंदर, तो उतना हमने करना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक टमाटर, एक मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके हमने ऐड कर दिया है, और टमाटर को हम भूनेंगे। तो ये टमाटर को हमें इस तरह से भूनना है जैसे कि हम वो प्याज टमाटर वाली चटनी बनाते हैं, उस तरह से थोड़ा सा भूनना है, और उसी तरह से हम थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो मसाले में पहले हमने ऐड करना है हल्दी 1 चम्मच, और 1 चम्मच लाल मिर्च, और नमक हमने दाल में डाला था दाल के हिसाब से, क्योंकि कीमे में ऑलरेडी नमक हो रहा होगा, वो कीमे के हिसाब से है, तो हमने इतना नमक ऐड करना है जो दाल में एडजस्ट हो जाए। तो देखिए माशाल्लाह तड़का हो गया हमारा अच्छा सा तैयार। अब हमने इसको हल्का सा भूनना है जिससे कि हल्दी की निकल जाए स्मेल, और जब हल्दी की स्मेल निकल जाएगी तो हम इसमें ऐड करेंगे हमारी दाल। तो दाल मैंने 1 कण की उबाली है, वो क्यों कि हम अगर दाल को थोड़ी देर भूनेंगे और थोड़ा चम्मच लगता है तो उससे दाल टूट जाए या हलवा हो जाए वो नहीं अच्छी लगती। 1 कण की दाल ही कीमे में बहुत टेस्टी लगती है। अगर आपको 1 कण की दाल नहीं पसंद तो आप उसको थोड़ा और ज़्यादा गला सकते हैं, वैसे तो वो पकते पकते ही सही हो जाती है। तो दाल हमने ऐड कर दी है, दाल को मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर करेंगे भुनाई। वो भुनाई इसलिए जो हमारा मसाला है वो दाल के अंदर बैठना ज़रूरी है। अब 1 कण जो हमारा दाल वाला था, ये मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, वो इसलिए था जो 1 कण है, अब जब हमारी दाल मसाले के अंदर फूलेगी तो टेस्ट हमारा मसाले का उसके अंदर बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो धनिया पत्ती डालकर यहाँ मैंने मसाला दाल एकदम तैयार कर ली है, यानी कि चना दाल मसाला एकदम तैयार है। तो दाल की रेसिपी चाहिए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, चना दाल इस तरह से बहुत बेस्ट लगती है। और अगर नहीं चाहिए, कीमे वाली चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ आकर आपने कीमा ऐड कर देना है। अब ये कीमा मैंने आपको मटर कीमा बनाते हुए दिखाया था कि मैंने थोड़ा सा हाफ कीमा अलग निकाला था और बाकी में मैंने मटर आलू ऐड किए थे, तो सेम वही कीमा मैंने ऐड कर लिया। बहुत ज़्यादा लंबा वक्त नहीं हुआ, ये मैंने उसी दिन दोनों रेसिपीज़ तैयार की हैं, और बाकी आपके साथ शेयर में आज कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से चूल्हे का टेस्ट जो होता है वो माशाल्लाह बहुत उम्दा होता है। थोड़ा सा हाँ परेशानी होती है कि धुआं लगता है, ये सब होता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो टेस्ट माशाल्लाह माशाल्लाह नहीं सॉरी माशाल्लाह, देखिए कितना
मतलब उम्दा सा इसका छोटे छोटे बुलबुले आ रहे हैं। और देखिए ये मैंने ये डाला धनिया और कितना प्यारा सा कलर आ रहा है, और खुशबू माशाल्लाह इतनी अच्छी, इतनी उम्दा कि मुंह में पानी आने को तैयार हो गया था। तो रेसिपी पूरी तरीके से तैयार है, अब हम प्लेटिंग करेंगे, यानी कि हम अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए खुशक खुशक कीमा और चने की दाल तैयार है। अगर आपको कीमे में दाल कम और कीमा ज़्यादा चाहिए तो आप कीमा बढ़ा सकते हैं, अदरवाइज़ आप अगर इतना ही रखना चाहते हैं तो बराबर दोनों चीज़ें रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको सिंपल दाल नहीं खानी है तो आप इस तरह से दाल खाएंगे तो बहुत अच्छी बनेगी। तो देखिए माशाल्लाह प्लेट हो चुकी है तैयार, देखने में एकदम बड़ा प्यारा सा लग रहा है, एकदम लजीज सा लग रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह कीमे की तीनों रेसिपीज़ इतनी ज़ायकेदार रही हैं कि वाकई में अब मैंने इतनी दफ़ा कीमा बनाया है लेकिन ये वाला जो टेस्ट है ना वो ज़बान से नहीं उतर रहा। इतना ज़्यादा ज़ायकेदार मटर आलू था, उतना ही ज़्यादा ज़ायकेदार भुना कीमा था, और माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इतना अच्छा ज़ायका इस दाल और कीमे में दिया कि बहुत 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 अच्छा बना। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।